लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर रेलवे प्रशासन द्वारा स्पेशल 2 ट्रेनें चलाई गई हैं। महाराष्ट्र के भिवाड़ी से आ रही 2 ट्रेनों में लगभग 1200 लोग गोरखपुर आ रहे हैं, जिन्हें रविवार की देर रात या सोमवार की सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है। गोरखपुर स्टेशन पर यात्रियों के पहुंचने और उनका थर्मल स्कैनिंग के साथ स्वास्थ्य की जाँच कराकर रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। गोरखपुर आ रही दोनों ट्रेनों की तैयारियों का रविवार को जिलाधिकारी के विजय पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जायजा लिया। इस दौरान एसपी रेलवे पुष्पांजलि, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एसपी सिटी डॉक्टर कौशव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित रेलवे और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों को मेडिकल जांच कराने के बाद ही बसों में बैठाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ शुद्ध पेयजल सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी तथा एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने कहा, स्कैनिंग है स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद हम डिटेल नोट करेंगे। वही करेंगे ना, एक साथ स्क्रीन होगा, तुरंत डिटेल नोट करेंगे, तुरंत दूसरा काउंटर एक ही काउंटर इस पे गोले बनेंगे, पूरी रोक जाएगी उसमें बैठ जाएंगे। सर उसका ये भी है ना कि हम लोग अन्य जिलों के लोगों के साथ लगा दिया गया है, मतलब 5-5 लेखपालों के साथ अपने को ये पदाधिकारी कर रहे हैं। अन्य जिलों के जो लोग भी वो आते हैं तो उनका मतलब हमारे काउंटर्स पे हमने तो 50 को इंगेज कर रखा है, 50 हमारे लेखपाल यहाँ रहेंगे, लेकिन उन लोगों के सपोर्ट में हम अपने लेखपालों का यूज़ कर हमारे लेखपाल जो गोरखपुर का गोरखपुर के सर ऑटो तहसील के हम आते हैं, टेक्सटाइल मेक है या आर्सन है, मैसन है, वो हम लोग कैटेगरी भी लेते हैं फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। यही इस तरह से ये टेबल है हमारी काउंटर, बगैर रिकॉर्डिंग जाना नहीं है, एड्रेस होने की क्योंकि 14 दिन मॉनिटर करना है, इनको सिम्टम ना आ गए। हमारे कर्मचारी भी 2 घंटे बाद काम कर लेते हैं, आपको नहीं बैठेंगे धूप में, आप सीढ़ियों से कर दिया जाए कि बसें भी लाइन लगाएंगे धूप यहाँ पर। Thank you.
Thank you.
पुलिस के तरफ से प्रॉपर ड्यूटी लगाई जा रही है और बाकी कहां से लोग कहां जाएंगे उसके बारे में प्रशासन जैसे जैसे निर्देश देता जाएगा पुलिस उसमें पूरा सहयोग करती रहेगी। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, हर जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, चाहे वो डेस्क हैं, चाहे बस हैं, चाहे मुख्य सड़कें हैं, सभी पर ड्यूटी लगाई जा रही है। आज रात की दो ट्रेन आनी है महाराष्ट्र से, जो वहाँ पे स्ट्रैंडेड लेबर्स हैं और लोग हैं उनको लेकर, उन्हीं के संबंध में कि जब ट्रेन आएगी तो यात्रियों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए डीबोर्ड कराया जाएगा, उनका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कैसे उनको बसेस में बिठाकर उनके डिस्ट्रिक्ट तक रवाना किया जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर RPF, GRP, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल और रोडवेज, सबकी रेलवे सबकी टीमें हैं यहाँ मौजूद और सफिशिएंट मैन पावर है। रेलवे स्टेशन गोरखपुर पे दो ट्रेनें बॉम्बे से संभावित हैं आज रात के 12 बजे के बाद और अर्ली मॉर्निंग में कल, उसी की यहाँ पर रिहर्सल किया गया है। आने वाले सभी आदमियों को स्कैन किया जाएगा और जो उसमें से हाई टेम्परेचर के लोग होंगे उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा और जो नॉर्मल टेम्परेचर के लोग हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्डिंग करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको बसों में बैठा के संबंधित डिस्ट्रिक्ट को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे और बसों में ही उनको पानी, बिस्किट्स या जो भी रिफ्रेशमेंट देना है वो बसों में ही उपलब्ध करा देंगे। अभी तो दो ट्रेनें यहाँ पर आने की संभावना है रात को 12 बजे के बाद। जांच करने के लिए यहाँ पर 12 स्कैनर लगे हैं और यहाँ पर 12-13 टेबल्स लगी हैं जो रिकॉर्ड करेंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा को। कितने यात्री आ रहे हैं? अभी एक ट्रेन में लगभग 1250 के आसपास लोग आएंगे, एक डब्बे में 54 यात्री होंगे। कितने बसें लगी होंगी यहाँ पर? 60 बसें लगी हुई हैं।